हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं सातम स्पेशल रेसिपी। हम लोग मोस्टली छठ के दिन जब जन्माष्टमी आती है, इसके पहले जो सातम रहती है उस दिन हम ठंडा खाते हैं और छठ के दिन हम काफ़ी सारी डिशेज बना के हम लोग सातम के दिन खाते हैं। तो आज मैं आपके लिए सातम स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे सूजी पूरी, जो आप सातम के दिन जैसे आम रस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसे श्रीखंड या तो मठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इवन रूटीन के दिन में आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, घर में मिलते इंग्रीडियंट से बन जाता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सूजी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है सूजी। तो सूजी आप बारीक वाला या मोटा वाला कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम सूजी लिया है। अगर कप के हिसाब से लेते हैं तो मैंने 2 कप लिया है। और इसी के साथ हम ले रहे हैं 1/3 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक डाल देती हूँ। नमक डालना टोटली ऑप्शनल है, आपको ये पूरी मठे के साथ खाना हो या रस के साथ खाना हो तो बिना नमक भी ये पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसी के साथ हम इसमें पिंच हल्दी डाल देंगे, ये डालना टोटली ऑप्शनल है, जस्ट हम हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। 1/4 कप अभी मैं घी ले रही हूँ, तो घी को मेल्ट करके लेना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। खास ध्यान रखें, घी को गर्म करके ही इसे लेना है। ये जो पूरी है इसमें नमक और हल्दी नहीं डालेंगे तो भी ये पूरी बहुत ही टेस्टी बनती है। छोटी बच्चियाँ, गौरी व्रत रहती है, जयापार्वती व्रत रहती है, तब आप श्रीखंड मठा या तो रस के साथ सर्व करेंगे तो भी बहुत ही टेस्टी ये लगती है। ये अच्छे से बाइंड होना चाहिए, इस टाइप का टेक्सचर हमें चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें एक्स्ट्रा घी भी डाल सकते। और यहाँ पर हम लेंगे गुनगुना पानी, तो हल्का सा गर्म पानी लेना है। अभी मैंने 1 कप लिया है, फाइनल कितना पानी जाता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम गुजराती भाखरी बनाते हैं वैसा ही हमें हार्ड डो चाहिए। तो ये डो हमारा रेडी है, तो इसे ढककर हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देते हैं। तो आटा हमारा रेडी है, आधा घंटा हो चुका है, इसे हम वापस अच्छे से मसल लेंगे। तो इसे मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर मसल लेती हूँ। अब हम इसे मसल लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं आधे कप से थोड़ा कम पानी गया है, तो इतनी क्वांटिटी में से आधे कप से थोड़ा कम पानी गया है रेस्ट देने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि सूजी है वो फूल जाती है, तो काफ़ी सारा जो मॉइस्चर रहता है वो सूजी सॉक कर लेती है, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिलता है। अब हम इसके 3 पार्ट कर लेते हैं। दो पार्ट को हम ढक कर बोल में रख देंगे और इसे हम वापस थोड़ा सा अच्छे से मसल लें। तो छोटे छोटे साइज़ के गोले तैयार कर लेंगे। तो इस टाइप का रोल तैयार करके इस तरह से कट करना है ताकि सेम साइज़ की पूरी तैयार हो। अब हम इसके गोले तैयार कर लेते हैं इस तरह से। तो ऐसे ही सारे गोले रेडी कर लेते हैं। तो इसे हम अब बेल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी थीक बेलना है, इस तरह से बेल के इसे हम बीच में इस तरह से कर देंगे, इस तरह कर देंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। मैं दूसरा पूरी आपको बेल के बताती हूँ। सूजी की पूरी है तो थोड़ी सी फटती है साइड में, तो आपको इसे ठीक करते जाना है। उंगली की मदद से भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सारी पूरी रेडी कर लेते हैं। और मैं आपको अलग तरीके से बताती हूँ, तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से कट भी कर सकते हैं। इसे भी बहुत ही अच्छी पूरी लगती है। एक साइड मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया था, हम चेक कर लेते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये जैसे ही हम डालते हैं ये धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि तेल हमारा परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पूरियाँ डाल देंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ी मोटी पूरी रेडी करना है। एक बार पूरी अच्छे से ऊपर आ जाने के बाद गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर ही तलेंगे, तब जाके ये अच्छे से अंदर तक पकेगी। थोड़ी देर के बाद इसे इस तरह से पलटना है। तो दोनों साइड इसे अच्छे से तलना है और गैस की फ्लेम एकदम धीरे रख के ही इसे तलना है। तो सारी पूरी हमने तल ली है, आप देख सकते हैं।
तो ये सारी पूरी हमने तल ली है, इसे हम इस तरह से एक स्ट्रेनर में रख देते हैं। तो सारी पूरी हमारी रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं। इसके साथ मैंने सर्व किया है गुलकंद पिस्ताचो मठो और आम रस के साथ। तो मैं इसे तोड़ के भी बता देती हूँ इसका टेक्सचर। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।